देखिए दोस्तों, आप जो ये सामने प्लांट देख रहे हैं, ये प्यारा सा प्लांट, ये जेड प्लांट है। और इसकी जो है आप इजीली से कटिंग ग्रो कर सकते हैं, और बहुत ही कम लो मेंटेनेंस प्लांट है, बड़े इजीली से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। ये जो प्लांट है आपको हर एक के घरों में देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है और इजीली से आपको नर्सरी में भी अवेलेबल मिल जाता है। बहुत ही सस्ता प्लांट है और सालों साल आपके पास रहने वाला ये प्लांट है, पर एक परमानेंट प्लांट है। तो आज जो है मैं इसी प्लांट को आपको इसकी केयर बताऊंगा कि आप जो है इसको किस तरीके से जो है इसको आप जल्दी से इसको बुशी बना सकते हैं, इसकी जल्दी से ग्रोथ कर सकते हैं, और कैसे आप इसकी केयर करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर दोस्तों आप चैनल पर मेरे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल वाले आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली इसी तरह नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखिए दोस्तों, ये जो देख रहे हैं जेड प्लांट, ये देख सकते हैं जो मेरे पास है, पूरा 1 साल का ये प्लांट है। इस प्लांट के आप देखेंगे जो ये थोड़ा स्लो ग्रोइंग प्लांट होता है, इसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी धीरे धीरे होती है, और ये काफ़ी एक लो मेंटेनेंस प्लांट है और काफ़ी एक हेल्थ रहने प्लांट है। मैं कहूँगा कि आपके पास जो है सालों साल तक ये प्लांट रह सकता है, इसकी कुछ ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती है आपको, और ना ही इसको अधिक वाटरिंग की जरूरत रहती है। देखिए मैं आपको इसकी, मैं पहले बताता हूँ कि अगर आप इस प्लांट को नर्सरी से बाय करते हैं तो देखिए आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा। और इसको लगाने के लिए आपको जो इसकी मिट्टी तैयार करनी है, देखिए वो आपको जो इसकी पॉटिंग मिक्सचर चाहिए वो वेलड्रिन चाहिए। आप इसमें क्या है कि इसकी जो 60% है वो गार्डन सॉइल ले लें, और 30% जो है आप इसमें सैंड मिला लें, और 10% का आप इसमें नीम की खली और जो है वर्मी कंपोस्ट मिला के आप इस प्लांट को लगा सकते हैं। देखिए बाकी इस मिट्टी को वेल्ड्री मिट्टी चाहिए, इसको पानी बिल्कुल अधिक ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि ये खुद ही सेकुलेंट टाइप का प्लांट है। और इसकी जो लीव्स होती हैं, इसकी लीव्स में आप देख सकते हैं कि इसी प्रकार से खुद ही इसमें वाटर इसमें मौजूद होता है, तो इसलिए इसको कम पानी की रिक्वायरमेंट रहती है। और मैं आपको बता दूं खास बात की, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि लोग इसे जो है इंडोर में रखते हैं। आप नर्सरी से लेके आएंगे तो कुछ नर्सरी वाले हैं वो भी आपको बता देंगे कि इसे इंडोर में ग्रो कीजिए, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि एक आउटडोर प्लांट है, फुली आउटडोर में इसको आप ग्रो कीजिए। इसको सनलाइट पसंद है, जितने आप इसको सनलाइट देंगे आपका ये अच्छे से ग्रोथ करेगा। और इसके लीव्स को ग्रीनरी रखने के लिए मैं आपको बताऊँ कि इसमें फर्टिलाइजर, सिर्फ फर्टिलाइजर इसमें आपको कुछ नहीं देना है। फर्टिलाइजर आप इसमें जो है देखिए इस तरह से इसमें फ्लावरिंग वगैरह तो होती नहीं है, तो इसकी जो लीव्स है इसको ग्रीन रखने के लिए क्या है, इसको सिर्फ नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो नाइट्रोजन में भी इसको कुछ खास नाइट्रोजन की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसे वर्मी कंपोस्ट दीजिए, 3 से 4 महीने में आप इसमें 1 से 2 मुट्ठी डाल दीजिए, फिर आप इसको छोड़ दीजिए, और कुछ इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप इसे फुल सनलाइट में ग्रो कीजिए। अब देखिए आपको मैं इसको बताऊं कि इसके वाटर की जो रिक्वायरमेंट है, वाटर की आप इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए आप जो मेरी सॉइल देख सकते हैं, सारी सॉइल वो एकदम से सूखी हुई है। आप इसमें सिर्फ क्या है पर डे में जो है थोड़ा सा पानी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी प्लांट को कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन तक नहीं करेंगे। देखिए अगर प्लांट को रिक्वायरमेंट भी है तो मैं आपको बताऊँ कैसे पता चलेगा, जो इसके लीव्स हैं वो आपको इस तरह से थोड़ी डल सी झुकी झुकी दिखाई देंगी, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि आपको जो प्लांट को है वो वाटर की रिक्वायरमेंट की आवश्यकता है। और देखिए इस प्लांट को आप बिल्कुल भी ओवर वाटरिंग बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप उसको ओवर वाटरिंग करेंगे तो देखिए इसके जो रूट है उसमें फंगस वगैरह के जो उसकी रूट है गल सकती हैं और आपका प्लांट जो है ख़राब हो सकता है। अगर आपके प्लांट में देखिए ओवर वाटरिंग करते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस प्लांट को जो है ओवर वाटरिंग हो रही है, जो उसकी लीव्स हैं वो आपको येलो येलो दिखाई देंगी, तो आप समझ सकते हैं कि जो उसके प्लांट को है आप ओवर वाटरिंग कर रहे हैं। तो ये इसकी कुछ केयर है। और देखिए इसके मैं आपको बताऊं, आप इसको छोटे से छोटे पॉट में और बड़े से बड़े पॉट में इजली से ग्रो कर सकते हैं। आप इसकी कटिंग जो है इजली से लगा सकते हैं। आप इस प्लांट को जब लेंगे तो आप इसकी कटिंग लगाते लगाते थक जाएंगे। इसकी कटिंग जो है आप छोटे से छोटी जो इसकी कटिंग है वो इजली से इसकी ग्रो हो जाती है। आप सिर्फ उसकी कटिंग को तोड़ के मिट्टी दबा दीजिए, जो आपकी कटिंग है वो इजली से लग जाएगी। आप इस प्लांट का देखिए जो है इसका बोनसाई भी बहुत प्यारा बनाया जाता है, इसका बोनसाई भी बहुत अच्छा बनता है। देखिए इसको मैंने बोनसाई लुक देने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी मैं कुछ इसकी केयर नहीं करी, तो देखिए आप इस तरीके से जो है ये लंबा हो गया है लगी टाइप का। और ये आप चाहो तो इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, और हैंगिंग बास्केट में भी बहुत ही प्यारा लगता है, जो आप चाहो तो इसको हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, और चाहो तो आप इसका बोनसाई भी बना सकते हैं, बोनसाई बहुत ही प्यारा लगता है। देखिए आप इसकी अगर कटिंग करते रहेंगे तो देखिए इस तरीके से इसका जो आप देखेंगे स्टेम, ये इस तरीके से बहुत मोटी हो जाएगी। अब प्लांट आपको जितना पुराना होता जाएगा वो उस तरीके से जो आपकी स्टेम भी सारी मोटी होती जाएगी। आप जो है इसकी प्रूनिंग के मैं समय बताऊँ तो देखिए प्रूनिंग क्या है, इसका जो सर्दियों का जो उसका मौसम रहता है थोड़ा डोरमेंसी पीरियड रहता है इसका, उसमें जो है इस प्लांट की बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं रहती है। जैसे ही इसके बाहर के दिन शुरू होते हैं, समर्स के मौसम शुरू होते हैं, तो इसमें जो है ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो उसी समय जो आप इसकी स्टार्टिंग में ही फरवरी का मंथ लगते ही आप जो है इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि आप इसी जो मर्जी प्रूनिंग करेंगे, देखिए जिस टाइम आपका प्लांट ग्रोथ ले रहा होता है और आप उसकी प्रूनिंग कर देंगे तो फिर प्लांट आपका ग्रोथ ढंग से नहीं ले पाता है, क्योंकि उसकी एनर्जी वेस्ट होती है। देखिए आप जिसमें खाद वगैरह डालते हैं, कि जो हमारे जो प्लांट होते हैं इसकी थोड़ी लिमिटेड मात्रा में जो इनके पास सॉइल होती है, और जो हम जो उनको
खाद वगैरह देते हैं वो इनको सब मिल पाता है। तो इसलिए क्या है, आप भी उस टाइम पे इसकी प्रूनिंग कीजिए, बाद में आपका प्लांट जो है अच्छे से ग्रोथ करेगा। और पॉट सिलेक्शन में बताऊँ तो देखिए इजिली से ग्रो हो जाता है, सिर्फ आपको पानी का ध्यान रखना है। देखिए तो इसको मैंने प्लास्टिक के पॉट में भी लगाया हुआ है और आप इसमें प्लांट की ग्रोथ दे सकते हैं काफ़ी। ये इसकी जो है ग्रोथ हो रखी है, हैवी ये पूरा भरा हुआ है। और इसको देखिए छोटे से मैंने मिट्टी के उसमें भी मैंने लगा रखा है, तो उसके आप इसकी ग्रोथ भी दे सकते हैं। अगर आप इसकी जो लीव्स देखेंगे इस टाइम पे थोड़ी येलो है, वो इसलिए है क्योंकि इसकी जो ये जो प्लांट है मेरा रूट बाउंड हो चुका है। और इसमें जो है आप इसकी जोड़े जो मिट्टी है वो इसकी रूट से बिल्कुल फिल हो चुकी है। इसको आप रिपोर्ट कर देंगे तो जो इसकी सारी लीव्स है वो पूरी ग्रीन कलर की हो जाएंगी। तो रिपोर्ट के लिए भी इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो आप चाहो तो उसको, अगर आपका प्लांट अगर ऐसा है तो आप इस टाइम समय पर इसकी जो है रिपोर्टिंग कर सकते हैं। बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है, अगर आप इसको पानी नहीं देंगे तो भी ये चलेगा। तो आप इसको अपने, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे ज़रूर से इसको अपने पास लगाइए, और चाहो तो आप इसे इंडोर में भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन इंडोर में ज़्यादा बेटर इसके लिए जो है सनलाइट। देखिए सभी प्लांट को जो है सनलाइट बहुत ही पसंद रहती है, और उनको जो भोजन बनाने के लिए जो है सनलाइट की आवश्यकता पड़ती है। तो आप इसको सनलाइट में ग्रो कीजिए। अगर आप इसमें और भी कोई केमिकल फर्टिलाइजर देना चाहते हैं तो आप इसमें DAP की 3-4 दाने डाल सकते हैं, और सरसों खली का फर्टिलाइजर इसमें आप दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट। बस यही सब इसके थ्रू जो है आपका प्लांट जो अच्छे से ग्रोथ कर सकता है। तो इन्हीं सब केयर के साथ जो है आप अपने प्लांट के अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं। आप देखिए फिर से मैं आपको दिखाऊं तो मेरा प्लांट आप देख सकते हैं किस टाइम पे इस तरह से बुशी हो रखा है ये, और काफ़ी प्यारा है ये देखिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।